दिल्ली में कोरोना पीड़ितों के लिए बेड्स हैं नहीं है, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे लेकर रस्साकशी तो खूब चल रही है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? दरअसल हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली का जो ऐप है वो कहता है कि कुल जितने बेड्स हैं हमारे पास उसमें से 4,757 ऑक्युपाइड है, 4,057 जो है वो वेकेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो इन अस्पतालों में लाना चाहते हैं अपने मरीजों को उस लक्षण के साथ, लेकिन इस अस्पताल के बाहर, LNJP के बाहर हमें एक अलग तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है। आप आए हैं, आपकी माँ यहाँ पर भर्ती थी, क्या वो कोरोना पीड़ित थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को, यहाँ पर सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए, 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। अच्छा। तो ICU में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पर तुम्हारी माँ ICU में है। अब दोबारा मैं गया, मैंने कहा पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के, तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए, पता मैंने लिख के ले गए, आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता कि डेथ हो गई। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ना बताया नहीं गया फोन पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ना घर पर गया ना कैसे गया, तो मुझे बताया नहीं गया। इनकी माँ को यहाँ एडमिट किया गया और बता रहे हैं कि बताया नहीं गया है और मृत्यु की बात अब बताई जा रही है, लेकिन काफी देर से यहाँ पर ये परेशान घूम रहे हैं। आपका कौन एडमिट है यहाँ? हाँ जी, हमारा बच्चा था यहाँ पे, उसको अटैक आया था, उसको कोरोना बता दिया। हमारी उस लड़के से बात हुई है, कह रहा मुझे थोड़ी देर पहले सुई लगा दी, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से, फोन करा बीबी को उसने अपनी, इन्होंने मार दिया डॉक्टरों ने। पर यहाँ तो सिर्फ कोरोना के इलाज होना था ना, पर उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया, कोरोना नहीं था, उन्हें रिपोर्ट तक भी नहीं दी हम लोगों को। रात को मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे देख नहीं रहे, इनकी कंप्लेंट कर तू। 12 बजे डॉक्टर आते हैं रात को, फिर आते ही नहीं है देखने के लिए, एक टाइम शाम को आएंगे फिर चले जाएंगे, कह रहे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बिल्कुल केयर नहीं कर रहा। कोई दूसरी बीमारी थी कोरोना की? यहाँ क्यों लाए? सिर्फ उनकी सांस तेज चल रही थी इसलिए उनको लाया गया था। इसलिए आप लोग लेकर आए थे? कोरोना की रिपोर्ट आपको मिली? नहीं मिली मैम। आपका क्या हुआ है? एक मेरा दोस्त है चंदन कुमार झा नाम है, एक 28 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था, और यहाँ पे जब आया तो 2-3 घंटे के अंदर में चेक करके उसको वापस कर दिया गया। फिर गया 3 दिन के बाद में उसको कॉल गया जो तुम पॉजिटिव हो, उसके बाद में फिर उसको बोला जो अपना ये बोला जो फिर है मुझे रिपोर्ट दो। 3 तारीख को बुलाया यहाँ पे रिपोर्ट के लिए, 3 तारीख को फिर आया कोई बंदा लेने के लिए रिपोर्ट, बोला अभी तक आया नहीं है। फिर आज मुझे बुलाया गया है रिपोर्ट के लिए, मैं ऑटो रिजर्व करके आया हूँ नागलोई से, अभी भी बोल रहा है जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्त कहाँ है आपका? दोस्त मेरा घर में है, उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया, घर से निकलने नहीं दिया है। देखिए, एक LNJP अस्पताल के सामने ही आप 3 तरह की कहानियाँ देख रहे हैं, एक जो रिपोर्ट के लिए हफ्ते भर से भटक रहे हैं और कोई उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, दूसरा ऐसा परिवार जिनसे अभी आने के बाद, माँ से मिलने के लिए आने के बाद ये कहा गया है कि आपकी माँ भर्ती तो हैं पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, फोन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और तीसरा ये परिवार जो कह रहा है कि गलत तरीके से कोरोना बताया गया था, यानी सिर्फ बेड से बहुत आगे ये जंग चल रही है दिल्ली में। कम से कम कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।